स्थानीय थाने के बंकीखाल गांव में मुख्य सड़क पर बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण कर लेने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को सड़क जाम पर हंगामा और प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि धनंजय तिवारी ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया। उसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। ग्रामीणों में गौरी शंकर राम, सुभाष राम, मनोज शर्मा, कालीचरण, धर्मनाथ प्रसाद, सुरेश तिवारी, रामजरी देवी, इंदु देवी, कलावती देवी, राजपति राम आदि ने बताया कि गांव के मुंशीराम सड़क की जमीन को जबरन अतिक्रमित कर बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, जिससे मीरगंज तोरसी मुख्य मार्ग में बंकीखाल में सड़क पतली हो गई है। सड़क सक्रिय होने से वाहनों के आवागमन में परेशानी होने के साथ दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की जमीन में निर्माण कार्य कराए जाने का विरोध करने पर मुंशीराम और उसके परिवार वाले गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। स्थिति मारपीट तक बन गई है। इस मामले में मुखिया, सरपंच के अलावा सीओ को आवेदन दिया गया है, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई है। इधर सीओ रविश कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। बंकीखाल से हम निवासी हैं। अभी तक हमारे गांव में जो भी रोड वोड का है कोई क्लियर अभी हुआ नहीं। यहाँ पर जो हमारा एक रोड है वहाँ पर लोग रोड के पास में मकान बना रहे, वहाँ पर बने एक्सीडेंट का बहुत भयंकर संभावना हो सकता है। अगर हमारा भी जमीन है, अगर हम घर बनवा रहे हैं तो अपने 3 फीट रोड छोड़कर हम खुद घर बनवा सकते हैं। तो मुखिया के पास में बोले हैं, सीओ के पास में ये सब वीडियो सब भेजा गया है, अभी तो कोई कंप्लेन अभी तक नहीं हुआ है। हमारा पुरनका जो सड़क है सरकार के हमारा नापी कर हमारा पुरनका सड़क जितना है उतना निकाल। कोई भी विकास गांव में नहीं हुआ है। मुखिया के पास जाया जाता है कोई भी ऑप्शन लेकर तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ वोट वोट नहीं मिला है। वहाँ मुखिया जी बोलते हैं आपने वोट नहीं दिया। नहीं, हमारे गांव से वोट नहीं मिला है। अभी भी वहाँ पे चलकर देख लीजिए, पूरा नाला टूटा हुआ है, पानी लग जाता है। उसको बोला जाता है रोड का कोई काम कराइए तो कुछ भी नहीं सोचते हैं। सर वहाँ पर कितना कंप्लेन कितना, वो कोई मीडिया से कोई कुछ भी नहीं। मुखिया के पास, विधायक के पास, सीओ के पास, थाना अधिकारी का कोई कंप्लेन नहीं। हम लोग को वही चाहिए कि उसको रोड बनना जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे तो हम लोग मारेंगे, पीटेंगे, मारकर हम लोग थाना में चले जाएंगे। कोई जो घर बनाया है वही धमकी दे रहे हैं, वही धमकी दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। अभी जब वहाँ से चले आए तभी दे रहे हैं कि अभी चले जाएंगे तो हम लोग जाएंगे थाना पर, मारकर इसको थाना पर चले जाएंगे। संवाददाता प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज, गोपालगंज, बिहार।